And welcome to with Adil Hashmi. आज बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी सुननी हमने एक ऐसे आर्टिस्ट की जो शुरू हुआ था हैदराबाद से एंड ही बिकेम ए ग्लोबल आइकॉन आपको कहीं से इमरान को ऐसी को देख ये लगता है कि ये ग्लोबल आइकॉन है उसके मैनरिजम से उसकी टोन से वो लिए से ये ग्लोबल आइकॉन है ये ऐसी जर्नी कैसे मुमकिन है और ऐसा पेंटर जिसकी पेंटिंग सिंगापुर से लेके पाकिस्तान से लेके यूरोप अमेरिका के म्यूजियम्स में एयरपोर्ट्स पे लोग जो है वो तलाश करते हैं अरे लुक एट द जर्नी वो दिन जिस दिन किराए के मकान में बिजली का बिल ना देने की वजह से बिजली कट गई थी और अब का दिन कि अब बिजली कटने का इम्कान नहीं है so, कट सकती है मैं तो अभी भी तैयार होता हूँ कुछ भी हो सकता है जिंदगी में वी आर प्राउड टू हैव विद अस टुडे नन अदर देन द ब्रिलियंट एंड द एंडल इमरान कुरैशी को बहुत बहुत शुक्रिया आपको पता है इस बात का कि आप बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं या छुपी हुई उम्र के, के लिहाज से <laughs> नहीं मुझे कोई इतना अंदाजा नहीं होता जब लोग कहते हैं तो मेरे लिए सबसे ज्यादा शर्मंदगी उसी वक्त होती है जब वो मेरे सामने मुझे कह रहे हो आप पता नहीं क्या है तो वाकई नहीं पता मतलब अब तो बहुत मैं पता है लेकिन मैं पता जा... करना नहीं चाहता पता है लेकिन इमरान कुरैशी जो आर्टिस्ट है क्या इंस्पिरेशन है आर्ट के पीछे व... व... वा... डू डू आर्ट इंस्पिरेशन तो मेरी हमेशा से इवन जब मैं एनसीए में नहीं था पहले भी जिन चीज़ों से मैं होता था मुतासर वो इर्द गिर्द का ही माहौल होता था चाहे वो सियासी हालात हों चाहे वो समाजी हों चाहे वो पर्सनल हों तो वो सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट करती थी काम में और वही काम की इंस्पिरेशन रहा एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ है एक कॉम्बिनेशन है आर्ट में भी बड़ी और फिलॉसफी में भी जिंदगी में भी कि जिंदगी और मौत अंधेरा और उजाला और सफ़ेद और देन दैट्स वॉट वी सी इन इन अलॉट ऑफ योर वर्क कि उसमें होप hope, एक होपलेसनेस इकट्ठी है एक ही फ्रेम में एक ही पेंटिंग में अरे That doesn't make any sense. ये, ये कैसे ख्याल आ गया वरना तो हम देखते हैं की पेंटिंग एक कोई लैंडस्केप है या सेल्फ पोर्ट्रेट है या कोई कुछ है ये क्या कॉम्बिनेशन है कि उसमें दूर से देखो तो वो खून है और करीब जाओ तो वो बूटे और पत्ती हैं वही बेसिकली मेरा काम चाहे फॉर्मल लेवल पे आप देखें या कॉन्सेप्ट के हवाले से देखें उसमें दो अपोजिट चीज़ें ही हैं ना सिर्फ इस सब्जेक्ट के हवाले से बल्कि अगर आप देखें मेरे काम की एग्जीक्यूशन उसमें आपको बहुत केयरफुली ड्रॉन इमेजेस हैं जो मी पेंटिंग की जो मेरी ट्रेनिंग है एन सी ए से वो रिफ़्लेक्ट करती है उसमें आ, लेकिन उसके साथ एक एब्स्ट्रैक्शन भी नज़र आती है मार्क मेकिंग भी नज़र आती है जो बिल्कुल कंट्रास्ट में उसके तो दिस अपोज़िट थिंग्स ऑलवेज वर्क फॉर मी इन टर्म्स ऑफ ए विजुअल एंड इन टर्म्स ऑफ इट्स कॉन्सपचल जो एक आइडिया होता है उसके पीछे छुपा जैसे अब आपने खुद ही बात की कि खून है करीब से वो खून लगता है दूर से और करीब से देखें तो वो फूल होता है तो वो एक आपको रिपेल भी करता है और अट्रैक्ट भी करता है तो वो जो टेंशन है ना वो इंगेज करती है ऑडियंस को और वही काम की मेरे ख्याल स्ट्रेंथ है मेरे मिनीचर मैंने जब भी देखी जिंदगी में तो मुझे जहन में आया कि ये मुग़ल दौर या मुग़ल किसी बादशाह ने बनवाई है सो मिनीचर का जो हिस्ट्री है वो क्या मुगल दौर से ही है नहीं या नहीं तो बहुत अरब मिनीचर भी हैं क्रिश्चियनिटी में भी हैं चाइनीस भी एक ट्रेडिशन है तो ये तो बाद में फिर मुग़ल भी इसमें शामिल हो गए सारे कारवां में मिनीचर की टेक्निक खास होती है मीनीचर डिफरेंट क्या पाकिस्तान में मीनिएचर की कोई अप्रिस होती है मिनीचर uh, बेसिकली uh, जो टेक्निकली अगर आप देखें तो जिसका मटेरियल है वो खुद एक बड़ा ऑर्गेनिक है बहुत उसका नेचर से ताल्लुक़ है हम सीपीओ में रंग रखते हैं इंस्टेड ऑफ पैलेट में जैसे आप पेंट बनाते हैं अगर वेस्टर्न पेंटिंग का ट्रेडिशन देखें तो हम लोगों की जो मिनिएचर पेंटर्स की देखेंगे तो शेल्स के अंदर उन्होंने रंग बना बना के रखे होते हैं ज़मीन पर बैठते हैं सी पी के साथ ही अपनी सरफेस जो होती है जिसको हम वसली कहते हैं बर्निश करते हैं ग्लू खुद पकाते हैं मैदे के साथ तो ये सारी चीज़ें बड़ी ऑर्गेनिक हैं बड़ी नेचर के साथ ताल्लुक़ है और फिर ख़ुद ज़मीन पे बैठ के काम करना अक्सर आपने शायद देखा होगा या नहीं भी देखा तो सर्च कर लें कि वो हाथ पे रंग लगाए हुए होते हैं तो क्योंकि वो पैलेट की जगह ये बॉडी यूज़ हो रही है थी अपनी ख़ुद की तो वो जो फील करने वाली चीज़ है वो मेरे ख्याल कुछ और होती है उसकी जब आप एक मिनेचर बना रहे हो तो मैं कई दफ़ा ये कह चुका हूँ इंटरव्यू में कि मिनेचर पेंटिंग में पेंट करना मेरे लिए ऐसा है जैसे अपनी आप मादरी जबान में बात करें किसी के साथ और वो मेरी एक दोस्त थी एक दफ़ा मेरे घर ही बहुत साल पहले उसने गिलहरी पकड़ के उसकी दुम से बाल लेने थे

वैसे तो इनका भाई जो है वो उस, उसकी मेजर तो ज्यादा नहीं करता बाहर दोस्त है अपना चलो दो भाई वैसे तो भाई ये चार हैं एक दुनिया में एक छोटे से मुल्क के एक छोटे से शहर से दो भाई उठते हैं चलो अभी हम आप पे फोकस कर लेते हैं और कुछ सालों के बाद वो हैदराबाद से जना कराची से होते हुए लाहौर आते हैं आता है चलो एक की बात कर लेते हैं और कुछ सालों के बाद यहाँ पढ़ने के बाद आर्ट वाट एक ऐसी फील्ड में जिसमें ब्रेक uh, इन करना या ब्रेक थ्रू करना ग्लोबली बहुत मुश्किल है क्योंकि उसमें क्रिटिकल चॉइस होती है और मार्केटिंग होती है और पता नहीं क्या कुछ है एंड सडनली अ फ्यू ईयर्स लेटर सिंगापुर से लेके तो यूरोप के म्यूजियम से लेके तो पाकिस्तान के इस्लामाबाद एयरपोर्ट से लेके तो पीएनसीए की बिल्डिंग से लेके तो न्यूयॉर्क में म्यूजियम से लेके हर जगह काम फैल जाता है सो so, हैदराबाद से उठे यू नो ही केम ही सॉ ही कॉन्कर्ट हाउ डज दैट फील वो जो वो जो जर्नी है एक एक अननोन शहर के एक अननोन लड़के की एंड एवरीवेयर जब मैं आया हैदराबाद से लाहौर एनसीए पढ़ने के लिए तो मेरे साथ जो बहुत सारे लोग थे जो कराची के भी थे बड़े शहरों के थे और उनका एक्सपोजर फर्क था आर्ट के हवाले से और मैं क्योंकि उस शहर से था लेकिन मेरी आपको हैरत होगी कि जो मेरे स्कूल में आर्ट की ट्रेनिंग हुई थी ग्रेड सिक्स से एट की मैं बात कर रहा हूँ तो वो इतनी ज़बरदस्त उनकी ट्रेनिंग थी और एक स्कूल के लेवल पे होना हैदराबाद शहर में पब्लिक स्कूल की मैं बात कर रहा हूँ और जो टीचर थे उनका नाम था एन काफ़ मीम शेख ये जे जे स्कूल ऑफ आर्ट के पढ़े हुए थे ग्रेजुएट थे वो काफ़ी एटी प्लस उनकी एज थी उनका तरीक़ाकार बिल्कुल वही था जो मैंने बाद में एक्सप्लोर किया कि मैं दोबारा वही चीज़ें कर रहा था एन के तो मैं शायद इस चीज़ को इस तरह से भी देखता हूँ कि जो हमारे जहन में एक आइडिया होता है कि ये हैदराबाद से है, तो इसका एक और तरह का वो होगा एक्सपोजर और ये कराची से इसका फ़र्क होगा तो वो होता फ़र्क है लेकिन दूसरी तरह से भी फ़र्क हो सकता है तीसरी चीज़ यह कि मुझे ये भी लगता था कि शायद ये सारे लोग इतना जानते हैं और उन्होंने दुनिया फिरी हुई है तो मैं पता नहीं फर्स्ट ईयर भी पास कर पाऊँगा नहीं इन लोगों के साथ तो लेकिन वो बड़ी अच्छी गई फिर सेकंड ईयर में मेरा ये ख्याल है कि शायद फर्स्ट ईयर ऐसी ही होती है सेकंड ईयर मुश्किल होगी लेकिन वो सेकंड ईयर में भी मैंने एक अच्छा रहा तो वो मेरे ख्याल आपकी स्ट्रगल बढ़ जाती है चैलेंजेस लेते हैं आप अपने लिए और उनके साथ चलते हैं के साथ सीखते हैं एक दूसरे से इन्वायरमेंट भी सिखाती है भी सिखाती है वट इज़ योर डेफिनेशन ऑफ सक्सेस नौजवानों की सक्सेस ये होती है जो मेरे पास आते हैं कुछ करने के लिए ओवर फेम और ओवर नाइट लॉट्स ऑफ मनी And that's where their vision finishes, कि ये है। मैंने कहा अच्छा कितने पैसे तो कहीं इतने मिलियन डॉलर क्या करोगे ले लिया गाड़ी घर गार, कुछ भी नहीं सो so, आर्टिस्ट की जो सक्सेस होती है वो एक्चुअली जर्नी होती है ना सो वट इज योर डेफिनेशन ऑफ आर्टिस्टिक सक्सेस फॉर योर सेल्फ वही आपने बात कर दी है जवाब तो आप खुद दे चुके हैं कि वो जर्नी होती है लेकिन ये बात भी है कि ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है यंगस्टर में क्योंकि बड़े अच्छे काम करने वाले जब हम उनको कॉलेज से भेजते हैं तो उसमें से अक्सरीत जो है वो उस दौड़ में पड़ जाती है जो वो इमरान कुरैशी को देख के शायद वो ये सोचते हैं कि ये बड़ी जगहों पे एग्जबिशन और महंगी तस्वीरें और शहरत और तरह की तो और उसको अचीव करने की कोशिश होती है ना कि वो ये देखते हैं कि वो जर्नी कैसी थी अब वो कहाँ से कहाँ चले और किस तरह काम में चेंजेस आए और क्या बना और वो सफ़र शायद मिस कर जाते हैं तो वही प्रॉब्लम बनता है कि पर वो आगे खुद भी नहीं मूव कर पाता मैंने आर्ट की बात भी करनी है पर एक غربت से अमारत तक का सफर और उसका मतलब ये है वो दिन जिस दिन किराए के मकान में बिजली का बिल ना देने की वजह से बिजली कट गई थी और आपका दिन कि अब बिजली कटने का امکان नहीं है अभी भी कट सकती है मैं तो अभी भी तैयार होता हूं कि कुछ भी हो सकता है जिंदगी में आप नहीं कह सकते आप हमेशा एक तरह से नहीं होती जिंदगी लेकिन फाइनेंशियल सिक्योरिटी ने या ओवरपावरिंग फाइनेंशियल सिक्योरिटी ने या ओवरपावरिंग फेम ने कंटेमिनेट नहीं किया जर्नी को कह रहे यार अब इतनी मुझे सक्सेस मिल गई तो ऐसा काम कर लेते हैं कि जो मूड तो शायद नहीं कर रहा लेकिन उससे फेम और बढ़ जाएगी या ये पॉपुलर हो जाएगा या ये कौन वो वो उस चीज़ ने खींचा नहीं अपनी तरफ नहीं मेरे ख्याल है कि स्टेज के बाद आप उन चीज़ों से निकल जाते हैं आपका ताल्लुक काम से अब मेरा काम से बहुत ज़्यादा होता है मैं यहाँ भी बैठा हूँ तो मुझे दिमाग में शायद मेरा स्टूडियो आ रहा है ये नहीं आ रहा कि उस स्टूडियो में ऐसी पेंटिंग बने जो बिक जाएगी बल्कि ये आ रहा है कि मुझे पेंट करना है या कुछ खास कोई चीज़ बनानी है और अभी मैं एक एग्जीबिशन पर भी काम कर रहा हूँ पिछले दो ढाई साल से तो मैंने नहीं सोचा वो किधर होगी मैंने नहीं सोचा वो वो किस तारीख को होगी लेकिन एक आइडिया है और उसके ऊपर मैं काम किए जा रहा हूँ किए जा रहा हूँ और जब वो ख़त्म हो जाएगा मत ख़त्म से मतलब है कि मुझे लगेगा अब नाउ आई कैन इट फिर मैं उसकी दूसरी साइड पे काम करूंगा तो अब मैं शायद उस स्टेज में ज़्यादा इंजॉय कर रहा हूँ और पैसा और वो शायद माने उस तरह से अब नहीं रखते जरूरत तो होती है सबकी लेकिन काम को अफेक्ट नहीं करना चाहिए उस चीज़ को वो दोनों अलग चीज़ें हैं साथ साथ चलेंगी लेकिन अलग हैं एक आर्टिस्ट के लिए वो चाहे सिंगर हो चाहे पेंटर हो चाहे एक्टर हो जो भी है यू नो अपना काम वो करता है या करती है और उसको अपना क्राफ्ट अच्छा आता है बहुत सौ को आता है लेकिन जो वो जो टिपिंग पॉइंट सक्सेस का कि जिसके बाद काम खुद उस आर्टिस्ट को तलाश करता है वो डेस्टिन है किस्मत है उसमें कोई रोल है इंसान का या इंसान का रोल तो जब काम करना ही है ऐसे शायद और भी आर्टिस्ट होंगे पाकिस्तान में जो आप जितने अच्छा काम करते होंगे ज्यादा का अच्छा काम करते होंगे पर उन्होंने उन, मेट म्यूजियम या सिंगापुर में या यूरोप में अवार्ड नहीं जीते डोचे बैंक के सो इज इट वॉज इट डेस्टिन तो क्या इसमें कोई कोई बाहर की कोई फोर्स है और इंसान कहता है अच्छा भी मुझे तो अपना काम ही करना है उसके बाद ये खुद ही कुछ होगा और नहीं होता जिसके लिए वो फिर क्या सोचे वो अच्छा काम कर रहा था वो भी या कर रही थी वो क्या सोचे इमरान कुरेशी को देख के वो हसद होगा उसको आई आई डोंट नो व्हाट एम सेइंग कभी मतलब मैं जो भी जवाब दूँ शायद मुझे अभी ये भी आता है कि लोग कहेंगे आप खुद यूँ हो गए तो आप दूसरों को नहीं परवीन बना रहे लेकिन मैंने कभी खुद कोशिश नहीं की कि मेरा यहाँ पर शो हो सिर्फ एक ही गैलरी थी आ, सिडनी में जहाँ मैं अपना पोर्टफोलियो लेके खुद गया था मैं कोई रेजिडेंसी पे था तो मैं दिखाने ले गया कि ये मेरा काम है तो मैं एग्ज़िबिट करना चाहता हूँ लाइफ में पहली दफ़ा टू में और उन्होंने कहा था उन्होंने प्यार से टाल दिया था <laughs> कि हम आपका शो नहीं कर रहे <laughs> <laughs> तो वो पहला और आखिरी चीज़ थी उसके बाद सारी एग्जिबिशंस ऑफर्स इनविटेशन खुद आई हैं मैंने कभी खुद कोशिश नहीं की और मुझे याद है कि एक दफ़ा मैं और जो मेरी बेगम आयशा खालिद वो हम लोग एक लंदन में हम एक म्यूज़ियम में थे और काफ़ी बड़ा ग्रैंड म्यूज़ियम था और मैंने ऐसी मज़ाक में कहा कि आयशा यार हमारा अगर सोचो हमारा काम यहाँ लगा हुआ है जैसे फ़न करते हैं ना और हम हंसने लगे इस बात पर तो एक टाइम ऐसा आया कि डोचर बैंक की मीटिंग थी और किसी ने सजेस्ट किया कि ये शो वहाँ ट्रैवल करना चाहिए उन्होंने कहा नहीं यू शुड हैव अ बेटर प्लेस फॉर योर शो सो दे वर लुकिंग फॉर इवन बेटर म्यूज़ियम फ़ॉर माय एग्जीबिशन तो मुझे फिर एकदम से रिकॉल हुआ वो मूवमेंट जब मैंने ऐसे सोचा था तो चीज़ें खुद हो जाती हैं वैसे छठी और सातवीं आठवीं क्लास में आपके एक टीचर थे जिन्होंने आपको इन्फ्लुंस किया और अभी भी वो बात याद है यू you नो know, ऐसा इन्फ्लुंस था और ऐसे टीचर्स जिन्होंने इन्फ्लुंस ज्यादा किया हो कि क्लास के बाद या ग्रेजुएट करने के बाद भी उनका इन्फ्लुएंस या उनकी बात जो है उसने गाइड किया हो या इंस्पायर किया हो या कनेक्टेड रहे हो मिसेस हाशमी थी बशीर अहमद थे उस्ताद बशीर अहमद वो बहुत ट्रेडिश, ट्रेडिशनलिस्ट थे और मिसेस हाशमी का एक और पॉइंट ऑफ व्यू था ख़ुदस मिर्ज़ा थे जहूर साहब थे जहूर अखलाक सईद अख्तर नाज श्ला अफशार साहब अनवर सईद तो हर एक के अपने पॉइंट ऑफ व्यूज थे और हर एक की कोई ना कोई बात दिमाग में भी रह मतलब वो बातें ऐसी हैं जो मैं अब अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ मेंशन करता हूँ या कोट करता हूँ तो मुझे लगता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है वो सारा है। क्योंकि उस वक्त वो चीज़ें उस तरह आप नहीं रीड करते जब टीचर कह रहा होता है बाद में समझ आती है मैं बशीर साहब की एक मिसाल देता हूँ कि वो कहते थे कोई चीज़ पूछने जाओ तो वो कहते थे अच्छा कल आओ दोपहर में बैठो अब ये कर दो चाय पकड़ा दो हम कहते यार एक रंग ही पूछा था बताए मैं अपना काम करूँ वो इतना तो लंबा खींचते थे बाद में हम यही सोचते थे कि जस्तुजू करनी पड़ी सुरंग को सीखने के लिए के बाद में उसको हम वैल्यू देते थे फिर उस कलर को उस सारी चीज़ को जो उनसे सीखी अब मैं वैसे बताता हूँ स्टूडेंट्स को लोग बॉडर भी नहीं करते उनको उसकी वैल्यू का नहीं अंदाज़ा होता तो मुझे लगता है कि हर चीज़ में कोई ना कोई एक पॉजिटिविटी भी होती है और वो आपको समझने की ज़रूरत है जिन आर्टिस्ट और टीचर्स का नाम ये सब आर्टिस्ट भी हैं प्रैक्टिसिंग आर्टिस्ट भी हैं टीचर्स भी हैं

इंस्पायरिंग टीचर होना तो बिल्कुल एक फर्क चीज़ है ना इन्फ्लुशियल टीचर जो आप छठी क्लास का भी टीचर आपको याद है पब्लिक स्कूल का और कोई याद नहीं है वो याद है ये पर्सन टू तो पर्सन भी डिपेंड करता है कि स्टूडेंट कितनी वैल्यू दे रहा है टीचर्स को कुछ लोग देते हैं कुछ लोग मैं अभी मीटिंग में होता हूँ बाद में उठ के आता हूँ मैं सर पकड़ के बैठा होता हूँ मैं किन से मीटिंग कर रहा था कुछ स्टूडेंट से क्योंकि वो नहीं समझ रहे थे आपकी बात लेकिन मुझे ये पता है कि शायद दस साल बाद समझेंगे वो इस बात को जो आज उनको नहीं समझ आ रही या आज वो रिजिस्ट कर रहे हैं तो देट इज पार्ट ऑफ द होल प्रोसेस यू मैं आप अखबार भी बहुत पढ़ते थे चाहे आपको वो जो सुर्खी है उसका पोलिटिकल एंगल समझ में आए या ना आए अपने है, तो, और आपने कहा पोलिटिकल और समाजी भी यू स्टिल सेंसिटिव टू दैट और वो रिफ्लेक्ट होता है स्टिली तरीके से काम हाँ काम तो काफी मेरा वही चीजों में जो हो रहा था अगर आप देखें उसको तो आप हर इंसान रिलेट कर सकता है उसको किसी भी हवाले से पर्सनल लेवल पे भी और इमपर्सनल लेवल पे भी लेकिन कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन तो वो जरूरी है मेरे ख्याल वो जो डायलॉग है वो बनना जरूरी है फिर आना ज़रूरी है तो एक कामयाब है आर्ट बहुत से आर्टिस्ट ऐसे होते हैं मसलन एक्टर्स ऐसे होते हैं जो बहुत कुछ पढ़ते हैं सो रेड डायरेक्टर्स को तो वैसे ही बहुत कुछ पता होता है आइंस्टाइन जो था वो वायलनिस्ट भी था तो किसी और डिसिप्लिन की इंफॉर्मेशन भी काफी होती है कभी कभी आर्टिस्ट को अपनी अपने उसके साथ साथ सो so, कोई ऐसा और डिसिप्लिन है आर्ट का जिसकी इन्फॉर्मेशन काफी है आपको हालांकि उसका कोई ताल्लुक नहीं है पेंटिंग से लेकिन म्यूजिक है या खताती है या कोई और पता नहीं मुझे तो आर्ट की भी काफी नहीं है लेकिन okay. या पॉपट्री मैंने बहुत की एन सी ए में बहुत सारे यंग लोग आर्टिस्ट तो बहुत ही कम है इस मुल्क में बेषतर लोग तो एम बी ए कर लिया डॉक्टर बन गए इंजीनियर बन गए लॉयर बन गए और यहाँ चले जाते हैं एंड देन यंग पीपल लॉट्स ऑफ यंग पीपल वॉन्ट टू गो अब्रॉड कि यार ये कहाँ फंसें अमरीका जाएँ ऑस्ट्रेलिया जाएं, जाएं इंग्लैंड जाएँ लानत भेजें पाकिस्तान गरीब मुल्क है और फलाना तो जब एक आर्टिस्ट के पास आप जैसे आर्टिस्ट के पास अपॉर्चुनिटी है इकोनॉमिक अपॉरचुनिटी है तो बाहर रह के क्यों नहीं काम करने का सोचा कि मैं बाहर ही रहूं यार छोड़ो अब तो यहाँ पे हाथों हाथ मेरा काम भी बिकेगा डॉलरों में बिकेगा वहां पे सड़कें भी खुली खुली होंगी और वहां पे पब्स भी होंगे और बिजली भी नहीं जाया करेगी और यू you नो know, ट्रैफिक भी नहीं होगी जो बोल रहा है, मुझे खौफ आ रहा है है कि कि मैं आ रहूं। <laughs> इन सब बातों को सुन के <laughs> तो बात है कि मुझे कभी भी नहीं रहा मैं जाता हूँ काम करके और वापस दस्ती क्या चीज है जो खींच लाती है वट इज दैट यू मिस क्या क्या होता है कि वो काम करो और निकलो यार वापस तो वापस क्या ऐसी चीज है कि जो जो खींच लाती है इस मिट्टी की तरफ मेरे ख्याल सारी जो अपनाइत है इस मुल्क के साथ वही है सिंपल वर्ड में अपनाइय हाँ वहाँ मुझे फील होता है कि आप जो मर्ज़ी हो आप अजनबी हैं और आप एक मुझे लगता है आप कोई और आदमी आके आपके घर में रहना शुरू हो जाए तो आपको कैसा लगेगा ठीक <laughs> है वो एक महीना तो अच्छा लगेगा दो महीने दस साल रहे तो आपको कैसा लगेगा तो बेशक आप जितने मर्जी पोलाइट हों जो मर्जी हो तो आप कभी भी हिस्सा नहीं बनेंगे उस घर का

वो अंग्रेजी में फैज साहब के मिसरे का तर्जुमा है शोबी ने जो कैसे क्यों कर ये जब uh, 2010 की बात है जब सियालकोट में वो जो दो भाइयों का हुआ था मॉब किलिंग और वो इतना वाइल्ड इंसिडेंट था तो वो उसने बड़ा अफेक्ट किया था दिमाग में वो कुछ इमेजेस थे उसके वीडियो क्लिप के तो मैं उठ के अपने स्टूडियो गया और मैंने पेंट करना शुरू किया किया फिर मैंने ब्रेक लेने को मैं मेज़ पर बैठ गया तो फैज साहब की ट्रांसलेशंस जो शेयब साहब ने की थी उन्हीं दिनों आ, वो बुक पढ़ी थी मैंने पढ़ के पढ़ना शुरू कर दी तो सडनली मुझे लगा कि वो आज के बारे में बात कर रहे हैं और हम सब उसी हालात में अभी तक तो और मैं जब भी उठाता हूँ उस किताब को तो वो फैज साहब की शायरी आप देखें तो वो लगता है हर टाइम के लिए लिखी गई है अभी की है हर कल किसी ने लिख के आपको दिए कि ये लें तो और वो मेरे काम से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो रही थी तो मैंने उस वक्त उसके टाइटल उसी में से लिए थे ऑल आर द कलर ऑफ माई हार्ट दिस ब्राइटनेस तो इस तरह वो है ना रंग है मेरे दिल का खून है होने 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 तक कलर ऑफ माई हार्ट उसका था तो इस तरह मैंने उधर से टाइटल फिर काफ़ी ड्राइव किए देश स्टिल एंड हाउ मैनी रेन्स मस्ट फॉल बिफोर तुझे ए, कितना लहू चाहिए उर्दू पोट्री वैसे पढ़ते हैं कभी कभी या नहीं या इतफाक ने किताब पढ़ी हुई थी बहुत ज्यादा नहीं पढ़ता लेकिन वैसे और किस आर्टिस्ट का काम है बहुत सारे होंगे नॉट ओनली पेंटर्स बट मे बी एक्टर्स एंड राइटर्स एंड जो इंस्पायर करता है या किया या दिल के पास है दो चीजें एक, एक तो इंस्पिरेशन होती जो आप आर्ट आर्ट का काम उसमें कौन आपके लिए इंस्पिरेशन बना एक होता है कि आपके इर्द गिर्द कौन लोग हैं तो मुझे लगता था जब मैं जिस दौर में एन में था तो मेरे बैच में बड़े जो हमारी एनर्जी थी जो स्टूडेंट्स थे मेरे फेलो आर्टिस्ट वो बड़ा ज़बरदस्त था मैं उनसे बड़ा सीखता था जिसमें फ़ायज़ा भट्ट थी रेशम सैद थी बानिया आपदी फरीदा बतूल मासूमा सैद तो ये सारे अभी प्रैक्टिशनर हैं खुदिया रहीम एहसन रहीम जवाद बशीर तो ये सारे मुझे लगता है इंस्पिरेशन uh, मुझे मज़ा आता था मतलब मुझे लगता था मैं सीख रहा हूँ इनके साथ बड़ी चीज़ें और टीचर के हवाले से भी सीखा और वैसे मुझे डेविड हॉकनी के कुछ मैंने मिक्स मीडिया ड्राइंग्स देखी थी कोलाजेस उसने बड़ा मुझे उसकी प्लेफुलनेस थी मीडियम का यूज़ था वो मुझे अच्छा लगा फरीदा कालो का जो एक इमोशनल साइड है और किस तरह से वो एक पॉपुलर जो कल्चर है उसको अपनी पर्सनल इमोशन डिपिक करने वो करती हैं उसको ट्रांसलेट करती हैं तो उसके थ्रू तो वो मुझे बड़ा इंस्पायरिंग लगा आ, तो मुझे लगता है मेरे काम में भी वही चीजें हैं सारी जो आप देखते हैं क्या चीज पाकिस्तान में ओवर नाइट चेंज करने का मौका मिले तो चेंज कर देंगे ओवर नाइट पाकिस्तान में मतलब आप बेचक फ्रांस में चेंज तो कर बड़ा सवाल है और ऐसे पूछ के पूछ रहे हैं आप बड़े आदमी हैं आप बड़े आदमी से बड़ा सवाल ही पूछते हैं एक ही चीज़ बस चलो ज्यादा कर रहे एंड नो पर्टिकुलर ऑर्डर के पहले ये दूसरा किसी भी ऑर्डर में कोई दो तीन चार चीजें मैं बताता हूं पहले क्योंकि आप खामोश बैठे सुन रहे हैं मैं स्पोर्ट्स और आर्ट जो है ये हर स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में डेली बेसिस के ऊपर ये मैं कंपलसरी कर दूंगा हम्म जबरदस्त ये कंपलसरी कर दिए बिल्कुल मेरा बेटा 13 साल का है वो बताता है कि हफ्ते में एक दिन आधे घंटे की क्लास होती है फिजिकल एजुकेशन की पीटी की या जो भी वो कहते हैं हफ्ते अब ये जवान बच्चे हैं जिनको सारा दिन भागना चाहिए उनको घंटे बैठाए हुए अंग्रेजी उर्दू मैन अरे वट वट नॉनसेंस मैन वट नॉनसेंस थॉट ऑफ दिस दिस सिस्टम वो कौन है अंग्रेजी उर्दू और अम्मा अब को फिक्र पड़ी भी हमें तो नहीं लेकिन बाकियों को कि ये क्या करेगा कल कर? अरे उनको खेलने कूदने तो कर म्यूजिक नहीं, नहीं, करें, आर्ट करें, करें जो मर्जी वुड डू आप क्या करेंगे? ये दो अब नहीं कर सकते ये मैंने मन ली है सो कोई और चीज ऐसी चीज की जाए बेशक वो स्कूलिंग से हो या जिस जिस लेवल पे जो बर्दाश्त का रवैया जो है इख्तियार करने पे मजबूर करे लोगों को तो डिफरेंट तरह के लोग हैं डिफरेंट

आर्ट फॉर्म का शौक है लेकिन प्रेशर इतने ज्यादा है उनके ऊपर कि वो अपने अम्मा को या फैमिली को या टीचर्स को बताते हुए भी घबराते हैं वट वुड यू से टू सेंग पीपल टू यंग पीपल कि आर्ट परसू करें या जाने दे गुस्सा अंग्रेजी उर्दू मैथ पढ़ें एफ एस सी करें फिलहाल वट वुड यू उन और बच्चों को तो मैं नहीं कहूँगा माँ बाप को कहूंगा कि बच्चों को कर मेरे ख्याल हमारा हम ये ख्याल है कि वो जो भी शौक से करता है बच्चा वो अपना मुस्तबिल उसमें बड़ा अच्छा बना सकता है बेशक कम कमाएगा लेकिन वो खुश होगा अपनी ज़िंदगी से अक्सर नौकरियां हमारे वो लोग कर रहे थे उन्होंने वो पढ़ा है जो उन्होंने नहीं करना था इसीलिए आप दफ्तरों में जाएं वो बेजार बैठे होंगे तंग करेंगे उन्हें कोई शौक नहीं होगा वो सिर्फ इसलिए हम आएँ कि उनको तनख्वाह मिलनी है पहली तारीख को तो अदरवाइज वो कोई शौक़ से नहीं कर रहे थे अपने काम अगर हर इंसान वही चीज़ करे जो उसने करनी है तो बड़ा मुख्तलिफ माहौल होगा इट्स वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि वो कमाएगा कम लेकिन खुश होगा

क्योंकि उनका आइडिया ये था जो अली नकवी हैं जो जोनर हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के, के आर्ट को पब्लिक तक लाने के लिए क्रिकेट के थ्रू लाया जाए क्योंकि वो एक बड़ा लिमिटेड उसकी ऑडियंस है और तो वो जो एक अवामी सतह पर आएगा और पूरे मुल्क में आएगा और क्रिकेट की जो तो ऑडियंस ही कुछ और है तो उसका रिस्पॉन्स रिएक्शन और एक जो डायलॉग है वो बिल्कुल फ़र्क होगा और एक्सपोजर टोटली फ़र्क होगा लोगों के लिए और मुझे वो बड़ा एक्साइटिंग लगा आइडिया लेकिन मैं सिर्फ इसलिए नहीं करना चाहता था कि मैं कोई भी चीज़ करूं और वो उस पर छप जा के इमरान की पेंटिंग छप गई है मुझे यह था कि कोई स्ट्रॉग रीज़न हो मकसद हो कि मैंने क्यों किया है क्रिकेटर्स ने क्यों पहना हुआ है इसको मेरे काम को कोई वजह हो तो फिर मैं हाँ और ना के उस में था एक सोच में कि मैं ना करूँ कि हाँ करूँ लेकिन फिर आ, आ, मुझे एक आइडिया आया मुझे डेंगी हो गया और मैं बिस्तर पर लेट गया ले तो मैं सोचता रहता था तो फिर मुझे ये आइडिया आया कि मैं क्यों ना जो मार्क मेकिंग मैं खुद करता हूँ वो क्रिकेटर्स की जो बचपन में अगर आप बॉल देखें वो कीचड़ हम खेलते हैं टेनिस बॉल से गलियों में मोहल्लों में और वो कीचड़ में भी जाती है फिर वो कपड़ों पे भी लगती है जब तो वो निशान छोड़ती है दीवारों पे हमेशा दीवारों पे भी ठप्पे पड़े होते हैं थाँग। 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 तो आई तो वॉन्टेड टू गो तो बैक टू दैट नोस्टल एक्ट ऑफ प्लेइंग क्रिकेट और उसको मैंने फिर पेंट बॉल के साथ आसिफ और शादाब को बुलाया अपने स्टूडियो क्योंकि मैं चाहता था वो मेरे स्टूडियो में ही एक्टिविटी इंस्टेड ऑफ क्योंकि उसकी फिल्म शूट भी होनी थी पूरी डॉक्यूमेंटेशन होनी थी तो मैं ये नहीं चाहता था कि बड़े स्केल के किसी सेट पे किया जाए बल्कि बिल्कुल वो रियल स्पेस में रियल टाइम में जाके वो शूट किया जाए और पूरा एक्ट परफॉर्म हो तो वहाँ हमने क्रिकेट खेली स्टूडियो के अंदर जगह की लिमिटेशन थी लेकिन बड़ा मज़ा आया और वो जो मार्क मेकिंग थी वो बिल्कुल मुख्तलफ थी जो मेरे पुराने काम में अगर आप देखते हैं और फिर जब उन्होंने वो वर्दियाँ पहनी तो दे वर एबल टू रिलेट कि ये क्रिकेट के ही हवाले से ये मेजरी क्रिएट हुई भी है और मैं ये भी चाहता था कि कोई ऐसी चीज़ ना हो जो बड़ी लोग कहें कि के यार वो इमरान ने भी किया हुआ है अच्छा कौन सा वो इस्लामाबाद वाला अच्छा हम देखेंगे तो मुझे ये था कि वो देख के चौंकें कि ये क्या हुआ हुआ है जो पहले कभी नहीं एक्सपीरियंस किया हो तो वो शायद इस तरह के जो चीटें पड़े हुए धब्बे पड़े हुए हैं कपड़ों पर वो एक बड़ा प्रवोक करते थे लोगों को और सोचने पर मजबूर करते थे कि ये कोई चीज़ दिस इज़ नॉट समथिंग एक जो रूटीन में वर्दियाँ होती हैं इनकी उससे ये किसी ने कंप्यूटर बैठ के आ, की ये, ये कुछ कुछ क्रिएट हुई शायद आप और आसिफ की पेंटिंग वैसी ही है जैसी आपकी क्रिकेट है आ, मेरी शायद <laughs> <laughs> <और लास, laughs> <लास, लास laughs> मुश्किलें जब आती है ब्राइट साइड यंगस्टर जो है ना वो बहुत जल्दी यंगस्टर्स क्या बड़े लोग भी इस मुल्क में काफी सारे जैसी को मुश्किल आती है इमोशनल हो फाइनेंशियल हो करियर ओरिएंटेड हो रिलेशनशिप्स हो एकदम से कुकून में चले जाते हैं घबरा जाते हैं बैक फुट पे आते हैं कुछ लोग पुश बैक करते हैं और बहुत कम लोग जो आराम से बैठ के सोच के कहते हैं अरे एक सेकंड एक सेकंड देखते हैं क्या करना है मुश्किलों को कैसे टैकल करना है हाउ डू यू टैकल नहीं टैकलम मैं। मैंने जो बात की पहले कि टीचिंग इज और यह पढ़ना भी टू वे प्रोसेस है जहाँ उस्ताद सिखा रहा होता है बच्चे को तो बच्चे से सीख भी रहा होता है तो वो इतने एक्सीडेंट्स होते हैं उनके काम में स्टूडियो जब हम प्रैक्टिस करते हैं स्टूडेंट्स के साथ और इतना कुछ होता है कि फिर उसको हम भी पैनिक कर जाएँ कि तुमने तो ख़राब कर दिया तो फिर तो अल्लाह ही मालिक है उस सारे उनके का, करियर का तो हमें फिर उन्हें उसका हल निकालना होता है उसको एक नई डायरेक्शन मिलती है और मुझे लगता है जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो हमेशा किसी इब्तदा होती है कोई नई नई चीज़ की आपके काम के अंदर तो

जो एज ए टीचर आपने किसी स्टूडेंट से सीखी और आपने कहा रहे यार ये तो एनी लिटिल थिंग दैट यू बहुत सारी चीज़ें अभी मुझे एकदम याद नहीं आ रही लेकिन कोई चीज़ जो किसी टीचर से सीखी अपने और अब तक याद है काफ़ी सारी चीज़ों में एक वैसी मिसाल देता हूँ कि मैं काम कर रहा था और मैंने जहूर साहब की क्लास थी पेंटिंग वो कराते थे, थे तो जहर आए वो क्लास में तो मैंने कहा कि सर मुझे वो पेंट लेने तो मैं इसके ले लूँ विंसर एंड न्यूटन के कोई मैंने महंगे से ब्रांड के नाम लिए तो उन्होंने डांटा कि तुम्हारे पैसे ज़्यादा हैं तो उन्होंने डिस्करेज किया मुझे और कहा कि कोई भी रंग ले आओ सस्ता तरीन मुझे बताया घटिया तरीन की उसी से पेंट करो तो मुझे वो बात बड़ी अभी भी रह गई और एक और दफ़ा ड्राइंग की क्लास थी और मैं था और मेरी एक क्लास फेलो थी गुल जो अमेरिका में होती है टेक्सास में तो हम ड्राइंग कर रहे हैं और एक दूसरे की ड्राइंग पे हमने बदतमीजी शुरू कर दी कि या लाइन मारना या कुछ करना तो सर खुद मिर्ज़ा थे वो एकदम एंटर हुए उन्होंने कहा ये क्या कर रहे हैं तो उन्होंने बड़ा डाटा कहने लगा अगर आप खुद अपने काम की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो कोई और भी नहीं करेगा तो वो बात उस वक्त से वो मेरे दिमाग में जो मैं आगे स्टूडेंट्स को भी बोलता हूँ अक्सर और ख़ुद भी सीखा इन चीज़ों से तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें ये तो मैंने दो मिसालें शो का टाइम कम है इसलिए आपको कहीं से इमरान कुरैशी को देखा ये लगता है कि ये ग्लोबल आइकॉन है उसके मैनरिज्म से उसकी टोन से होलिए से कि ग्लोबल आइकॉन है ये और फार ईस्ट से लेके फार वेस्ट तक ये एक आइकॉनिक आर्टिस्ट है कैन कैन यू सी दू सी द्यूमिलिटी इनके छोटे भाई से मेरी बहुत पुरानी दोस्ती है <laughs> मुझे याद आ गया हॉस्टल का <laughs> तो ये दोनों भाई फैसल और इमरान थे एनसीए के हॉस्टल में

मैंने पिछले जब से 25 तीस पच्चीस साल तो हो गए होंगे एवरी टाइम यू स्पीक टू इमरान एंड ऑल्सो फैसल आप हमेशा इनको मुस्कुराता हुआ देखेंगे आप इनसे संजीदा सवाल करें कोई दुखी सवाल करें हल्का सवाल करें मिजाइल दे विल ऑलवेज बी स्माइलिंग एंड आई थिंक दैट अ ग्रेट थिंग टू सी आखिरी सवाल इफ़ यू कुड गो बैक कुयर्स टेन ईयर्स फिफ्टीन ईयर्स और कोई चीज़ चेंज करना चाहे अपनी जिंदगी में कुछ करेंगे कुछ चीज़ चेंज नहीं कुछ भी नहीं चेंज करेंगे क्या करूंगा मुझसे क्या पूछ रहे मैं तो कुछ चेंज कर दूंगा मैं करूंगा चेंज के जब तुम हॉस्टल में आए थे मैं उस कमरे में नहीं सो रहा होता <laughs> <laughs> किसी और कमरे में होना चाहिए था कैन यू कैन यू थिंक ऑफ ए पर्सन जो अपनी जिंदगी को पीछे देखे मुड़ के बीस पच्चीस साल कहे कि मुझे इसमें कुछ चेंज नहीं करना ज़ाहिर उसमें कितने हार्ड ब्रेक्स होंगे कितनी नाकामियां होंगी पर वो कहेगी नहीं मैंने कुछ भी चेंज नहीं करना ये सारा कुछ जो है ये सब कुछ मुझे ऐसे ही चाहिए Imran, thank you so much for for taking our time for us. God bless. Thank you. <laughs>